बोल बदल दिया। कुछ महीने पहले नहीं, हमारा एक लड़का अमित सैनी, उसने बोल दिया था 24 के में कमल खिलेगा, अमित सैनी रहा है, उसने लक्ष्मी चंद की तरह लिख दिया था और खिल गया और खिलता रहेगा जब तक नायब सैनी अपनी चला रहे ना पंचकुला के अंदर। ये देखिए अमित सैनी रुक गया। नमस्कार दोस्तों, मैच सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9:30 बजे का टाइम है। कल जो है पूरी तरह से पांडाल सज गया था, मैंने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई है। आज यहाँ पर कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और तमाम जो हरियाणा के बड़े बड़े दिग्गज नेता या फिर कौम है उत्तर प्रदेश से तमाम पूरे भारतवर्ष से जो है तमाम नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और स्वागतम किया गया है। नॉन स्टॉप हरियाणा डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की तरफ पंडाल सजा हुआ है ज़बरदस्त। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे जो है भारी संख्या में यहाँ पर लोगों को निमंत्रण दिया गया है और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मैं उनसे थोड़ी चर्चा करूँगा वे क्या सोचते हैं, क्योंकि तीसरी बार जो हरियाणा में सरकार जो बनाई है बीजेपी ने, ये ऐतिहासिक है और इस तरफ से लंबी सी कतार जो है अंदर एंट्री कर रही है, वीआईपी के अंदर जो है लोगों की एंट्री हो रही है। और दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे आज और शपथ समारोह में शामिल होंगे। फिलहाल ये पूरी लंबी सी कतार देखेंगे आप और पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर चौकन्ना है और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इधर से काफ़ी लोग आते हुए आपको दिखाई देंगे और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आए हो? भाई साहब अपने भाई आए हैं बड़े हुए। नमस्कार, कौन सा चैनल है? एनडी हरियाणा से। एनडी हरियाणा का यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पानीपत से आया हूँ जी। अच्छा, पानीपत से हो? हाँ जी, मैं भी पानीपत से हूँ भाई। अच्छा भाई, कितने लोग आए हैं? ऐसे पहली बार हुआ कि शपथ में बहुत सारे लोग बुलाए गए? देख लो जी, ये भव्य शपथ समारोह है यहाँ पर और कई हजारों की तादाद के अंदर काफी लेके गाड़ियां हैं लोगों के, आप देख ही रहे हो, इधर उधर कैमरा घुमाकर देखिएगा, काफी लोग यहाँ पर शपथ समारोह पे एकत्रित हुए हैं और एक ये तरह का रतन हरियाणा को फिर से दूसरी बार नायब सैनी जी मिले हैं मुख्यमंत्री के रूप में। जो इधर आ जाओ, इधर थोड़ा सूर्य का पड़ रहे होगा। अच्छा जी जी, अच्छा ये बताओ भाई, मैं समझने के लिए आया हूँ, आप तो देखो तीसरी बार जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, दूसरी बार शपथ लेंगे आज नायब सैनी मुख्यमंत्री जी सर, ये कैसा है? क्योंकि जब 2019 का चुनाव अगर हम देखें तो 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी कहीं ना कहीं निराश थी, दुष्यंत चौटाला ने उसकी जो है चाबी खोली। अब की बार ऐसा क्या रच दिया नायब सैनी ने कि भाई सरकार बनेगी बीजेपी? सबसे बड़ी बात है युवाओं का साथ, जो बीजेपी सरकार है वो युवाओं को बिल्कुल साथ लेके चलती है, बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार है। मैं खुद सरकारी प्रतियोगिता की तैयारी करता हूँ, जिस प्रकार युवाओं को सिर्फ 100 रुपये में 150 रुपये में नौकरी दे दी जाती है, वैसे ही अदर सरकारों के कार्यकाल के अंदर 20-25 लाख रुपया लगाकर उनको नौकरी दी जाती थी। सबसे बड़ी बात है जिनके हाथ में पहले की सरकारों में बीजेपी से पहले की सत्ता थी, जिनके हाथों के अंदर उन्हीं को सिर्फ नौकरी मिलती थी। बीजेपी की राज में गरीब से गरीब तबके का लोग अपनी नौकरी लेकर रोजगार पाकर अपने भविष्य को बिल्कुल साकार बना रहा है। तो ये बिना खर्ची पर्ची वाला कहीं ना कहीं जो कामयाब हुआ है, ये बिना खर्ची और बिना पर्ची का जो नायब और मनोहर और मोदी की सरकार रही है, यही तो बिल्कुल सक्सेसफुल हरियाणा के अंदर जो अब 48 सीट बिल्कुल पूर्ण बहुमत से हम सरकार ले चुके हैं, उसका मेन रीजन यही है। अच्छा एक बात बताओ भाई, अभी चुनाव से पहले चर्चाएं कर दी, मैं भी जाता था कवर करने के लिए कि भाई हरियाणा में तो कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो कुछ बाद में जो ऑब्जेक्शन भी उठाया 20 सीटों पे चुनाव दोबारा कराने की एलिगेशन लगा रहे चुनाव आयोग पे कांग्रेस वाले, तो ये किस तरीके का जो आप समझते हैं भाई, हुड्डा की लहर थी, कांग्रेस की लहर थी, फिर भी उनको निराशा हासिल हुई? देखो, समाज के अंदर और चुनाव के अंदर और पार्टियों के अंदर कुछ अनुवांशिक तत्व होते रहते हैं और जीत के बाद जो यही साकार करना चाहते हैं कि पहले भी ये तो जो रुझान आते हैं और रुझान से पहले का सिस्टम कुछ और होता है, वोटिंग वाले दिन कुछ और होता है, पोलिंग वाले दिन कुछ और होता है और फाइनल रिजल्ट में कुछ और होता है, ये तो लोगों का माहौल होता है। जो बीजेपी को वोट डलती है वो OBC की मतलब 36 बिरादरियों की वोट डलती है और कांग्रेस के अंदर ऐसे रहता है कि कुछ तबके के लोग बिल्कुल झंडे उठाते रहते हैं कांग्रेस का और कुछ बीजेपी कैसे होते हैं जो नीचे नीचे काम करके चले जाते हैं। तो ये नीचे नीचे वाला काम, ये नीचे नीचे वाला काम है बिल्कुल। हरियाणा के अंदर ऐसे ही बीजेपी की सरकार रहे, नायब और मोदी की सरकार रहे और युवाओं को रोजगार ऐसे ही मिलता रहे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक बात और पूछना चाहूंगा, मैं भी यहाँ पे कवरेज कर रहा था रात के टाइम पे, पंचकूला के लोगों से पूछ रहा था, वो कह रहे थे 25 करोड़ रुपया खराब कर दिया खामा खाई का और शपथ तो जो है वहाँ पर भी लिया जा सके थे, सदन में भी लिया जा सके था, तो ये यहाँ पर क्यों रखा गया इतना बड़ा प्रोग्राम? देखो यही बात मैं अगर कहना चाहूँ तो 25 करोड़ रुपए की अगर यही बात आती है
तो ये तो क्या कार्यकर्ताओं का जोश है जो इस मुकाम पे लेकर इलेक्शन मोड से लेकर और अभी तक नायब सैनी को दूसरी बार शपथ समारोह के अंदर आज शपथ है उनकी यहाँ पर बैठाया है और इस लायक समझा है। ये तो लोगों का उत्साह है और लोगों के अंदर रुझान है, ये चीज़ तो अनुवांशिक तत्वों की चलती ही रहती है। ये बिल्कुल सही बात है। चलो भाई बहुत शुक्रिया आपका। पानीपत से आए हमें? हाँ, अच्छा महिपाल डांडा वहाँ से है। अच्छा आपके वहाँ से? हाँ जी। अच्छा ये बताओ महिपाल डांडा कौन बन सकते हैं अपने पानीपत से मंत्री? जी हमारे महिपाल डांडा जी का एक तरफा रहेंगे मंत्री बिल्कुल बन के, 51,000 वोटों से बिल्कुल जीत रहे हैं वो हमारे महिपाल डांडा जी हैं, ठीक है। और तीसरी बार उन्होंने रिपीट किया है पहले। राम राम जी। राम राम, नमस्कार सभी को। ठीक हो जी? बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा अपना परिचय जी। मैं वीरेंद्र सैनी पानीपत से। अच्छा पानीपत वाली टीम? पानीपत वाली टीम है ये हमारी सारी टीम है। और आप पानीपत से जल्दी पहुंच गए हैं? अरे आप जोश देखो ना, चारों सीट विधानसभा की नहीं पूरी लोकसभा जीत का रहे हैं, इतनी खुशी है इनके अंदर। अच्छा चारों की चारों विधानसभा सीट जीत ली, ऐसा क्या है पानीपत में? बीजेपी का इतना बड़ा प्रकोप है, नायब सैनी को लोगों ने सिर पे बिठा लिया, 56 दिन के अंदर इतना काम कर दिया। आप वो कहते ना ट्रेलर पिक्चर शुरू हो गया आज से। अच्छा नायब वहाँ से मनमोहन बढ़ाना जो बीजेपी आज तक आई नहीं थी पानीपत के संभालखा में, अच्छे वहाँ से मनमोहन बढ़ाना बहुत अच्छे आदमी, उनके पिताजी यहाँ मंत्री रह चुके हैं, लोगों ने उनको अच्छे उससे देखा है। और भ्रष्टाचार वहाँ उसका जो अभी पिछला मेले था भ्रष्टाचार से सम्मिलित है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। लोगों ने सोचा है कि अच्छे आदमी को बनाए काम भी होगा, ऊपर भी सरकार सेंटर में भी और नीचे भी सरकार, इसलिए बढ़ाना को बनाया है। डबल इंजन की सरकार और नायब सैनी के नेतृत्व में सारी सीटें पूर्ण बहुमत से आई हैं, आप देख रहे सरकार। अच्छा उड्डा को लेकर के आज कहोगे क्योंकि बहुत सारी चर्चा? उड्डा को तो सीएम साहब ने बता दिया था पता नहीं कौन से वेंटिलेटर पे मिलेंगे आज, उन्होंने तो अपनी और अपने घरवाले की वो थे, अपने बेटे की वो थी, वो कांग्रेस नहीं थी भूपेंद्र हुड्डा घर की सरकार थी उसकी, अगर कांग्रेस होती सैलजा को साथ लेकर के चलते वो भी कुछ कर लेते, वो तो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ रहे थे भूपेंद्र हुड्डा। वो कह रहे भाई सैलजा के साथ, आपने सुना होगा ना हमारे वहाँ पानीपत वाले ग्रामीण वाले सीट से करे थे, आपकी वोट लगी तो भूपेंद्र हुड्डा को जाएगी ना कि कांग्रेस को, उन्होंने कहा भूपेंद्र हुड्डा को जाएगी, उसकी घर की सरकार है क्या? ये नहीं आते अब, ये खत्म हो गए बिल्कुल, बीजेपी पार्टी रहेगी और नायब सैनी मुख्यमंत्री चलेंगे। इतना अच्छा इनका नेतर वो है, अच्छा नेचर भी है और ये काम भी करते हैं पब्लिक, आज भी सुबह देखा वीडियो, आज सुबह मिल रहे हैं लोगों से, रात के 12-12 एक एक बजे तक मिलते हैं, कोई चले जाओ अच्छा जी, कोई पास की जरूरत नहीं, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। अच्छा ये तो बड़ा अनोखा है क्योंकि पहली बार ये देखने को मिलेगा कि इतने सारे लोगों के बीच में शपथ समारोह चलेगा, ये क्या सोच रहे हैं नायब सैनी जो इनका चल गया वैसे स्टैंड जो इन्होंने पहले चुनाव के कुछ महीने पहले ही जो है करके माहौल बदल दिया? कुछ महीने पहले नहीं, हमारा एक लड़का अमित सैनी उसने बोल दिया था 24 के में कमल खिलेगा, अमित सैनी रहा है, उसने लक्ष्मी चंद की तरह लिख दिया था और खिल गया और खिलता रहेगा जब तक नायब सैनी अपनी चला रहे ना, इंडिपेंडेंट हो गए पार्टी के साथ मिलकर और लोगों की भावना समझ गए और गरीब परिवारों के साथ मिल करके, जैसे लेडीजों की 2100 पेंशन सिलेंडर और 24,000 की भर्ती देख लेना, आज रिजल्ट घोषित हो जाएगा, आज सबसे पहले बिल्कुल हो जाएगा, बीजेपी जो कहती है करती है आप देख लेना। बीजेपी मतलब ये तो ये कहे कि भी चुनाव जीतने के बाद तो कुछ रहता नहीं लेकिन फिर भी बिल्कुल जो कहा नायब सैनी ने करता है, इतनी कही है 56 दिन के अंदर जितने काम कहे ना सारे कर दिए और आगे भी करेगा, उन्हें बोल दिया हमने, पूर्ण विश्वास है। एक महीना पहले नहीं 1:20 पे सीएम साहब से मिले थे, मतलब ऐसे रात को। अच्छा जी। हाँ जी तो भाई देख सकते हैं भाई, देखो ये कहा करो नायक फिल्म देखी आपने भी? हाँ, मैं बार बार जिक्र करता हूँ नायक फिल्म वाला ही जो है हरियाणा के सीएम है, कहीं भी चले जाए कहीं भी नायक है हरियाणा का, जो सीएम है वो एक नायक फिल्म की तरह है, इन्होंने ऐसे ही काम किया है, दिन रात पब्लिक की समाज की सेवा में तत्पर रहे हैं, किसानों की समस्याएं दूर करी है, जो किसानों की एमएसपी के लिए सैकड़ों किसानों ने जान गंवाई। एक बात पूछना चाहता हूं आप सभी से, इसका जो भी देना चाहता है जवाब, क्योंकि आपने देखा 13 महीने तक लगातार किसान आंदोलन चला और लगातार कांग्रेस ये कहती रही कि भाई सरपंचों को डंडे मारे, कर्मचारी पिटे, डॉक्टर भी नहीं छोड़े, ऐसी ऐसी कई बातें निकल करके आई, उसके बावजूद भी जो बीजेपी सत्ता में आई ये कुछ कई लोगों को हजम नहीं हो रही इस बात। देखिए जो आप कह रहे ना किसान कोई वहाँ सड़कों पर नहीं था जो आज भी बैठे हों, दो दो मंजिल कोठी, चार चार कार, दो दो बड़े बड़े ट्रैक्टर, खाते उनके भरे पड़े, उनके आड़ती उनके पैसे बरतते हैं, वो लोग वहाँ बैठते हैं, गरीब लोग नहीं बैठते। ये तो कांग्रेस वाले लोग और भूपेंद्र हुड्डा के लोग रोडों बैठते, जमींदार कोई रोडों पर नहीं बैठता,
और आप कह रहे सरपंचों की, नायब सैनी ने एक दिन सत्ता लेते ही 21 लाख तक की घोषणा अगले दिन कर दी थी। चलो उनका खट्टर साहब का स्वभाव थोड़ा टाइट था लेकिन ईमानदार थे वो भी। नायब सैनी ने उससे ऊपर चढ़ के हर आदमी सारे काम हर आदमी नहीं कर सकता, किसका काम करने का अलग तरीका है। नायब सैनी 24 घंटे काम कर सकता है, देखे आपने 1:30-2 बजे तक रात को मिलता है, सुबह 7 बजे कोठी पहुंच जाते हैं उनसे मिलता है, इसका काम करने का नेचर अलग है। ये आप MSP भी देख लो, नायब सैनी ने मुख्यमंत्री होते ही सारी की सारी हरियाणा की फसलें MSP पर कर दी हैं। बिल्कुल ये बात सही है भाई, चलो जो लोग आप अपने ही सोचते हैं राय। अच्छा आप भी आओगे जी, एक बार बुलाइए उनको। मैडम आ जाओ, एक बार आओ ना। अरे शेरनी है मैडम, आओ आओ जी एक बार। अच्छा नहीं आपसे जरूरी बात करनी है, पानीपत से है कहीं अभी? अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, पानीपत सारा उठकर है। अच्छा भाई आप ये देखो, ये भाई टी शर्ट पहन रहा है, तीसरी बार सरकार है। अच्छा अच्छा कहाँ से आए भाई? मैं भाई औली गांव से आया हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, बरोदा हल्का है मेरा, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में। बरोदा हल्के से जी, अब की बार क्या रहे हैं वहाँ पे? उसका तो इंदुराज बालू चुनाव लड़ रहे थे, वो तो बस जीत गए क्या? वो जीत गए हैं उस हुड्डा के करके। फिर भी आप वहाँ विधानसभा से आए? तो हम तो भाई मोदी जी के साथ हैं। अच्छा। नायब सैनी के साथ हैं, मनोहर लाल जी के साथ हैं, जो उन्होंने मतलब उनका सुशासन है, सुनीतियाँ हैं समाज के लिए। आपका तो गोवाना नज़दीक लगता है। हाँ, तो बड़ौदा में रह गया तो, लेकिन सोनीपत जिले में अपनी 5 सीट हैं, 5ों भाजपा के खाते में आई हैं, और गोवाना से ही हमारे अरविंद शर्मा जी। अच्छा गोवाना में क्या हुआ अब की बार तो चुनाव बढ़ा ही नहीं? गोवाना में कोई असर था ही नहीं जी, 5 बार की विधायक जगवीर मलिक, लेकिन जो BJP की सुशासन था उसकी अच्छी नीतियाँ थी, और सामने से हैवी कैंडिडेट थे 3 बार के अपने सांसद अरविंद शर्मा जी थे, तो उनके कारण कोई था ही नहीं उनके मुकाबले में। तो जगवीर मलिक भी मानते नहीं? ना जगवीर मलिक ने 5 बार MLA बने लेकिन जनता के लिए कुछ किया नहीं। अच्छा बताओ आप कहाँ से आए हो? मैं तो भिवानी से। भिवानी से? भिवानी से आयो? हाँ। अच्छा क्या करने के लिए आयो? भाई आगे दर्शन करने। दर्शन करने के लिए? हाँ। जगराता थोड़ो रहे यहाँ तो शपथ ली जाए। शपथ दुआन आए यहाँ सैनी साहब को। अच्छा ठीक, तो उड्डा के साथ में थे क्या? उड्डा के साथ उड्डने वोट कैसे दिया जब उड्डने या कोरोना ला दी? उड्डा ना लाया थी करो ना, या कांग्रेस ने लाई उड्डने? ये सारा भारत बंद कराया है तो उसको वोट कैसे देंगे? अरे तो उड्डा को क्यों लेगा आपकी बात? उड्डा को क्यों? उड्डा को ये सारा भारत बंद करा दिया, कोरोना उड्डन लगाई है। कोरोना उड्डा ना कहाँ लगाई था? महामारी नहीं, महामारी नहीं दी है। हाँ। ये तो अपनी जान बचाने खातिर पंजाब छाया था ने। अच्छा अच्छा 21 में। चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी। हाँ। देखो भाई ये भाई साहब भी आ गए हैं चुलकाना से। और कैसे हो भाई? बढ़िया भाई साहब, आप बताओ। बढ़िया एकदम। कितने लोग आए अपने विधानसभा से? भाई साहब बस ये भर क्या रही है, गाड़ी भर क्या रही है, काफी लाभ बहुत बढ़ा रहा है। देखो भाई इधर से आ जाओ क्योंकि लोगों ने भी थोड़ी। देखो ये भाई समालखा विधानसभा से आए और मनमोहन बढ़ाना की कार्यकर्ता है, इनकी टीम है मजबूत। अच्छा भाई मनमोहन बढ़ाना विधायक तो बना दिया आपने, वो कैसे बने एक बार थोड़ा और जिक्र कर लेते भाई? ये तो पूरे संभाल के हल्के की वोट मिली भाई साहब को, पूरी सपोर्ट मिली, युवा होगी सब ने बहुत समर्थन दिया भाई साहब। तो मंत्री पानीपत की जो 4 विधानसभा सीट है उनमें से कौन लग रहा है आज मंत्री पद के शपथ लेंगे? मंत्री तो भाई अब ही पता चल जाएगा थोड़ी देर में किसको बनाएंगे। इधर आओ। देखो भाई पता आगे चलेगा, मनमोहन बढ़ाना पक्का मंत्री है, BJP में इसलिए आया ये कि मंत्री बनेगा भाई। अच्छा ठीक है, और इसको कोई भी रोक नहीं सकता भाई, इसलिए पूरे गांव ने 84 गांव ने इसको बनाया भाई, मंत्री बनाएगा भाई बढ़ाना साहब, इसको खुल के समर्थन इसलिए गांव वालों ने दिया सब ने भाई, मंत्री बनाएगा कोई रोकनिया नहीं है, योगी मोदी सागा हाथ है भाई इसके ऊपर, और मंत्री बनाएगा। जय बाबा की खुल। चलो भाई बहुत अच्छा लगा, चलो जी आप भी ले एंजॉय। चलो आप क्या कुछ कहोगे कमेंट बॉक्स से अपनी राय जुड़े, मैं लगातार ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा आपके बीच में। तब तक के लिए ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के बाद फिर मैं वापसी आता हूँ। धन्यवाद।